वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखे गए पोयम द सोल्जर का अध्ययन करेंगे। द सोल्जर इज ए वार सोनेट। द सोल्जर एक वार सोनेट है, अर्थात युद्ध के बारे में लिखी गई कविता है। सोनेट वैसी कविता को कहते हैं जिसमें 14 लाइन्स होते हैं। इट हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। यह रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखा गया है। द पोएट डिस्क्राइब्स द पेट्रियोटिज्म ऑफ ए सोल्जर। कवि एक सैनिक के देश प्रेम के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं। द सोल्जर गोज एब्रॉड टू फाइट फॉर हिज कंट्री। सैनिक अपने देश के लिए लड़ने के लिए बाहर जाते हैं। ही इज फाइटिंग इन ए फॉरेन लैंड। वो विदेश की धरती पर लड़ रहे हैं। इंग्लिश में 14 लाइन्स के पोएम के लिखने की एक परंपरा है जो सोनेट के नाम से जाना जाता है। उसमें 14 पंक्तियाँ होती है। चूँकि यह युद्ध से संबंधित कविता है इसलिए इसका नाम वार सोनेट रखा गया है। यह एक वार सोनेट हुआ। रूपर्ट ब्रूक द्वारा रचित यह कविता है जिसमें कवि ने एक सैनिक के मन में जो देशभक्ति की भावना होती है उसे प्रकट किया है। सैनिक अपने देश के लिए अपने देश के बाहर भी युद्ध करने जाता है। यह सैनिक भी अपने देश के लिए एक विदेश की भूमि पर लड़ने गया है। लाइफ इज अनसर्टेन इन द बैटलफील्ड। जीवन युद्ध की भूमि में अनिश्चित होता है। ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर। वह अपने इच्छा को प्रकट करता है। इफ ही डाइज देयर ही विल बी बरीड देयर। अगर उसकी वहाँ मृत्यु होती है तो उसे वहीं दफना दिया जाएगा। दैट पीस ऑफ लैंड विल ऑलवेज बी इंग्लैंड। वह जो भूमि का टुकड़ा होगा वह हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। इट विल ऑलवेज बी इंग्लैंड बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन दिस कंट्री। यह इसलिए इंग्लैंड हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में जन्म लिया है। वास्तव में जब कोई सैनिक युद्ध भूमि में जाता है तो युद्ध भूमि में जीवन अनिश्चित होता है। कब किस पल क्या होगा कोई नहीं जानता है। वहाँ डू या डाई की स्थिति होती है, करो या मरो की स्थिति होती है। या तो मारना है या मर जाना है। इसलिए कवि अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। वह कहते हैं अगर मेरी मृत्यु हो जाए युद्ध भूमि में तो मुझे वहीं दफना दिया जाए। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई सैनिक अपने देश के लिए अपने वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे उस देश में फिर से वापस लाया जाता है। उनके शव को, उनके लाश को घर वालों को सौंपा जाता है। परंतु ये सैनिक कहते हैं अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो जाए तो मुझे वहीं दफना दिया जाए। इसके पीछे की जो उनकी मंशा है, उसकी सोच है, वह कहते हैं कि मेरा जन्म चूँकि इंग्लैंड में हुआ है और मुझे जब विदेश की भूमि में दफनाया जाएगा तो वह भूमि जहां मुझे दफनाया जाएगा वह हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। लोग याद करेंगे कि यह जो कब्र है यह एक इंग्लैंड के सैनिक का है और उतनी भूमि वह मरने के बाद भी अपने देश के लिए प्राप्त कर लेना चाहता है। सैनिक के मन में ऐसी तमन्ना है। ही इज ग्रेटफुल टू हिज कंट्री। वह अपने देश के प्रति कृतज्ञ है। ही गॉट ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द वे, द फ्लावर, द एयर, द रिवर एंड सनराइज। उन्हें बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिली। वह राह, फूल,
वायु, नदियाँ, सूर्य की रोशनी, ही गॉट नोबल थाट्स, हैप्पी ड्रीम्स एंड लाफ्टर, उसे अच्छी सोच मिली, सपने अच्छे मिले और उसे खुशी प्राप्त हुई। कवि कहते हैं कि मैं अपने देश के प्रति काफ़ी कृतज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ तो उसी देश से मिला, मुझे जो जीने की राह मिली इसी देश से मिला, मेरे जीवन में जो खुशबू है, मेरे जीवन में जो सुगंध है वह इसी देश से मिला है, मैंने इसी देश की वायु में सांस लिया है जिसके कारण मैं जीवित हूँ, यहाँ की नदियों के पानी को मैं पीकर बड़ा हुआ हूँ, यहाँ की सूर्य की किरणों ने मुझे पुष्ट किया है, जिन्होंने मेरा लालन पालन किया है। आज जो हमारे मन में अच्छे विचार हैं, इन विचारों को भी मैंने अपने देश से ही प्राप्त किया। हमारे मन में जो सपने हैं, उन सपनों को भी मैंने अपने देश से प्राप्त किया। हमारे मन में जो भी खुशी है वह इसी देश की बदौलत है। द सोल्जर इज लवर ऑफ हिज मदरलैंड, सैनिक अपनी मातृभूमि को प्रेम करता है। इफ ही डाइज ही विल फील पीस, अगर वह मर जाता है तो वह शांति अनुभव करेगा। ही विल बी प्राउड ऑफ इट बिकॉज ही डाइड फॉर हिज कंट्री, उसे इस बात का गर्व होगा कि उन्होंने अपने प्राण को अपने देश के लिए न्योछावर किया। रियली द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इंक्रीजेज इन टाइम्स ऑफ वॉर, वास्तव में युद्ध के समय मनुष्य के अंदर देश प्रेम की भावना और भी अधिक बढ़ जाती है। एक सैनिक अपने मातृभूमि से प्रेम करता है और इसलिए वह कहता है कि अगर मैं युद्ध भूमि में मारा भी जाता हूँ तो मेरे मन को शांति मिलेगी, मुझे इस बात का गर्व होगा कि मैंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वास्तव में यह जो देशभक्ति की भावना है वह व्यक्ति में हमेशा विद्यमान होता है, लेकिन अगर युद्ध का मैदान हो, युद्ध का समय हो, तो उस समय तो देशभक्ति की भावना अपने चरम पर होती है, काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, और सैनिक तो हमेशा अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार होता है, तो यह सैनिक भी अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने को तैयार है। बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने लिखी है। इसी के साथ आपका धन्यवाद।